हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गपजप की दुनिया में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ बहुत सारी गल्फ कंट्री की जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें ताकि कोई वैकेंसी मिस ना हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों बात कर ले आज की सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, कोरियन कंपनी है, इसको चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्किटेक्चर इंजीनियर, सेफ्टी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इन सभी जॉबों में से किसी भी जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ई मेल एड्रेस पर अपना कम्प्लीट डॉक्यूमेंट सीवी सेंड कर दे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। दोस्तों बात कर ले ऑफिस के बारे में, ये मीना सपोर्ट ऑफिस है, मुंबई की ऑफिस है। दोस्तों चलिए बढ़ते हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, ये भी कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए एलिवेटर टेक्नीशियन। कैंडिडेट के पास आईटीआई होना चाहिए या हाई स्कूल पास होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में। नेक्स्ट वैकेंसी है जनरल इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, इसमें फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई होना चाहिए 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। इंडिया का एक्सपीरियंस है 2 ईयर का तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट सभी सेंड कर दे। कोविड है, कोविड क्यूरी है, गुडमैन ग्लोबल सॉल्यूशन के ऑफिस से संपर्क कर ले। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, ये भी कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, एनएल ग्रुप कतर कंपनी है। दोस्तों इसको चाहिए प्लम्बर्स, पाइप हीटर की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों खाना फ्री रहेगा, फ्री एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, 8 आवर का ड्यूटी आवर रहेगा प्लस OT कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इस जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV पासपोर्ट दिए गए ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दे या दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। दोस्तों कोविड आउट क्योंकि क्लियर कर ले। चलिए बढ़ते हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात कर ले अगला वैकेंसी के बारे में, एक कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, ये भी रिप्यूटेड कंपनी है, इसको चाहिए दोस्तों इराटा 1 स्पाइडर क्लीनर्स, इराटा 2 स्पाइडर क्लीनर्स, इराटा 3 स्पाइडर क्लीनर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इस जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना अपडेटेड सभी पासपोर्ट कॉपी फोटो दिए गए ईमेल एड्रेस पर जल्द से जल्द सेंड कर दे। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, एक कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, ऑयल एंड गैस शटडाउन प्रोजेक्ट है, बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इसको चाहिए पाइप फैब्रिकेटर 55 लोगों की जरूरत है, मैकेनिकल फिटर 140 लोग चाहिए, पाइप वेल्डर टीक प्लस आर्क निमिक 50 लोग चाहिए, रिगर 70 लोगों की जरूरत है, कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट 22 लोगों की जरूरत है, फायर वॉच 45 लोगों की जरूरत है, फ्लाइंस टेक्नीशियन 18 लोग चाहिए, फोरमैन रिगिंग 17 लोगों की जरूरत है, फोरमैन मैकेनिकल 30 लोगों की जरूरत है। दोस्तों इसमें कोची में दिए गए एड्रेस पे इसका वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है और चेन्नई का भी एड्रेस दिया गया है, मुंबई का भी एड्रेस दिया गया है। अगर आप तीनों किसी भी जगह से नियर बाई लोकेटेड हैं तो विजिट कर ले। दोस्तों इसका वॉकिंग इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू दोस्तों नेक्स्ट वीक में होने वाला है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस में चल रहा है, 2, 3, 5, 6, 7 जुलाई को होने वाला है ये तीनों एड्रेस पर। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, मेंटेनेंस कंपनी है। दोस्तों इसको चाहिए रोटेटिंग मैकेनिकल टेक्नीशियन, जिसकी सैलरी रहेगा 2700 से लेकर 3000 कतर रियाल के बीच में। मैकेनिकल टेक्नीशियन फीटर की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 2300 से लेकर 2600 कतर रियाल के बीच में प्रोवाइड करेगी कंपनी। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 2700 से लेकर 3000 के बीच में कंपनी प्रोवाइड करेगी। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल टेक्नीशियन PLC एंड प्रोसेस कंट्रोल के लिए चाहिए 2700 से लेकर 3000 कतर रियाल के बीच में सैलरी रहेगा। अगर आप भी इंटरेस्ट हैं इस जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपडेटेड CV जल्द से जल्द सेंड कर दे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, ये PDO ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई, इसका CV सिलेक्शन होना है। इसको चाहिए इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की जरूरत है। इसमें कंपनी आपको फ्री फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप इंटरेस्ट इस जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट सभी सेंड कर दे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, UAE के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है। इसको चाहिए रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस स्टाफ, काउंटर सेल्स एग्जीक्यूटिव, टूर गाइड्स, ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट है। फीमेल कैंडिडेट्स ऑल्सो कैन अप्लाई, अगर आप फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं इसके लिए।
कंपनी आपको अट्रैक्टिव सैलरी, फ्री फूड, एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप भी इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल अपना CV जल्द से सेंड कर दें। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। चले बढ़ते हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात कर ले अगला वैकेंसी के बारे में। ह्यूमन के लिए रिक्वायरमेंट आई है, लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है, फ्री वीजा, फ्री एयर टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसको चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, स्टाफ कुक, साउथ इंडियन के लिए रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इसमें कंपनी आपको अट्रैक्टिव सैलरी, फ्री फूड, एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 10 जुलाई को होने वाला है। अगर आप इंटरेस्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल अपना CV जल्द से सेंड कर दे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। दोस्तों इसमें ड्यूटी आवर 9 आवर का रहेगा, डेली कंपलसरी OT है, 3 to 4 आवर का OT रहेगा, फ्राइडे सैटरडे कंपलसरी OT रहेगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हमारे अगला वगंज की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए दोस्तों 5 फीट है, जिसकी सैलरी 1100 से लेकर 1400 के बीच में रहेगा। 5 फैब्रिकेटर चाहिए, जिसकी सैलरी 1300 से लेकर 1600 के बीच में सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। मीन लाइट फिटर की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 1100 से लेकर 1400 के बीच में रहेगा। मल्टी वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 1500 से लेकर 2000 के बीच में रहेगा। हाइड्रो जनरेटर चाहिए, जिसकी सैलरी 1100 से लेकर 1400 के बीच में रहेगा। बोल्ट टर्क लीड टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 1500 से लेकर 2000 के बीच में रहेगा। रिगर लेवल 3 की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 1100 से लेकर 1400 के बीच में रहेगा। कंपनियां का फ्री फूड एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। 8 आवर का ड्यूटी आ रहेगा, प्लस OT प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एज लिमिट बिलो 40 ईयर्स से कम का एज होना चाहिए। ECNR पासपोर्ट वाले ओनली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल अपना CV सेंड कर दे, डॉक्यूमेंट सेंड कर दे। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। दोस्तों चले बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। ये भी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, कंपनी है अलसैफ MEP डिवीजन के लिए, CV सिलेक्शन इसका होना है। इसको चाहिए स्किल्ड वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, डॉक्यूमेंट, HVAC फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है। फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, 4 जन की भी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों नीड LSAF कंपनी रिटर्न कैंडिडेट्स ओनली। अगर आपका भी एक्सपीरियंस है LSAF कंपनी में सऊदी में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंपनी 8 आवर का ड्यूटी आ रहेगा, प्लस OT कंपनी प्रोवाइड करेगी। एज लिमिट 21 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट का एज, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। ओनली तमिलनाडु कैंडिडेट रिक्वायर्ड है इसके लिए। दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट इस जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दे। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात कर ले अगला वैकेंसी के बारे में। ये भी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई, कंपनी है SCE कंपनी है। दोस्तों इसको चाहिए ट्रेलर ड्राइवर, 60 लोगों की जरूरत है, जिसकी सैलरी 1600 रहेगा। बेसिक प्लस 200 अलाउंस प्रोवाइड करेगी। OTV प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें फ्री रूम एंड मेडिकल कंपनी प्रोवाइड करेगी। JCB ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 50 लोगों की जरूरत है, जिसकी सैलरी 1600 बेसिक रहेगा, प्लस 200 फूड अलाउंस प्रोवाइड करेगी, प्लस OTV रहेगा। जनरल लेबर की रिक्वायरमेंट है, 100 लोगों की जरूरत है, जिसकी सैलरी 800 रियाल रहेगा, प्लस 200 बेसिक अलाउंस प्रोवाइड करेगी, प्लस OTV प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के पास सऊदी का लाइसेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। ECR प्लस ECNR दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 38 साल के बीच में एज होना चाहिए। 8 आवर का ड्यूटी आ जाएगा, फ्री रूम, फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से। अगर आप भी इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अपना कंप्लीट जल्द से जल्द संपर्क कर ले। दोस्तों बात कर ले ऑफिस के बारे में। सुल्तान मैन पावर कंसल्टेंसी ऑफिस है, दिल्ली का ऑफिस है। दोस्तों चलिए बढ़ते हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात के लिए अगला वैकेंसी के बारे में। ये सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, रिप्यूटेड कंपनी है। इसको चाहिए हाइड्रोलिक मैकेनिक हैवी इक्विपमेंट के लिए, डीजल इंजन मैकेनिक हैवी इक्विपमेंट के लिए, पेट्रोल इंजन मैकेनिक, हैवी ड्राइवर्स, मीडियम ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है। सभी कैंडिडेट के पास 2 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना है सेम फील्ड में। अगर आप भी इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दिए गए ईमेल अपना CV जल्द से जल्द सेंड कर दे, क्योंकि इसका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस में चल रहा है। बात कर ले ऑफिस के बारे में। नासिर ओवरसीज कंसल्टेंसी ऑफिस है, मुंबई की ऑफिस है। तो अगर आप मुंबई में लोकली अवेलेबल हैं तो दिए गए एड्रेस पर विजिट कर ले। चले बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई, लीडिंग कंपनी है। दोस्तों इसको चाहिए विनाइल इंस्टॉलर्स, वॉल पेंटर इंस्टॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट के पास 4 to 6 ईयर का सेम फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका वॉक इन इंटरव्यू दोस्तों 3, 4, 5 जुलाई को होने वाला है मुंबई में MG वाला के ऑफिस में। अगर आप इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दिए गए ईमेल अपना CV एंड डॉक्यूमेंट सेंड कर दे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर कॉल कर ले। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। तो ये कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, रिक्वायरमेंट फॉर रिप्यूटेड कंपनी है। इसको चाहिए मेंटेनेंस इंजीनियर, गैस डिटेक्टर टेक्नीशियन,
ब्रीथिंग अपार्टस मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ब्रीथिंग अपार्टस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। सभी कैंडिडेट के पास 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम फील्ड में अगर आप भी इंटरेस्ट की जॉब का अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए एड्रेस पे अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स सीबी एंड ओरिजिनल पासपोर्ट लेके विजिट कर ले दोस्तों। कोई भी डाटा कोई क्वेरी है दिए नंबर पर संपर्क कर ले। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात कर ले अगला वैकेंसी के बारे में, सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। कंट्रैक्टिंग कंपनी है दोस्तों, इसको चाहिए 5 फिटर 5 फैब्रिकेटर, सेफ्टी ऑफिसर, हाइड्रोजेटर, प्लानिंग इंजीनियर, मैकेनिकल प्लानर की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट के पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो प्रीफर किया जाएगा। अगर आप भी इंटरेस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दे। कोई भी डाउट हो कभी करिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। इसका वोकल इंटरव्यू दिए गए एड्रेस पर चलेगा। अगर आप चेन्नई में दिए गए एड्रेस पर चलेगा एंड इसका चेन्नई के 2 एड्रेस दिया गया इस पर। अगर लोकली अवेलेबल है तो दिए गए एड्रेस पर विजिट कर ले। तो इसमें बात कर ले ऑफिस के बारे में, एम घीवाला ग्लोबल एचआर कंसल्टेंसी ऑफिस है, मुंबई की ऑफिस है। चले बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात के लिए अगला वैकेंसी के बारे में, ये यूएई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसको चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, जिसकी सैलरी 1200 से लेकर 1500 दिरहम के बीच में रहेगा, प्लस 300 फूड अलाउंस प्रोवाइड करेगी कंपनी। 8 आवर का DTR रहेगा, OT भी प्रोवाइड किया जाएगा। वर्क लोकेशन रहेगा अबू धाबी। ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो यूएई में लोकली अवेलेबल है। विजिट वीजा या कैंसिल वीजा पे तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसको इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। मिनिमम 1 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में। अगर आप मुंबई में और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर CV सेंड कर दे। कोई डाउट है दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। अगर कोची में अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना CV सेंड कर दे। कोई डाउट है क्यूरी है दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। अगर आप तिरुची में है और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट CV सेंड कर दे। कोई डाउट है क्यूरी है दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। अगर आप चेन्नई में और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना CV सेंड कर दे। कोई डाउट है क्यूरी है दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात कर ले अगला वैकेंसी के बारे में, यूएई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, इसको चाहिए ऑटो ड्राफ्ट्समैन, प्रोडक्शन मैनेजर, सीनियर एस्टिमेटर्स, प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन प्लानर इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी टू MD फीमेल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप भी इंटरेस्ट के इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिग्नेज इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल पर सेंड कर दे। कोई डाउट है क्यूरी है दोस्तों एम घीवाला ग्लोबल एचआर कंसल्टेंसी का ऑफिस से संपर्क कर ले दोस्तों। चले बढ़ते हैं हमारा अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात कर ले अगला वैकेंसी के बारे में, दोस्तों बात करें आज की सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। दोस्तों यूएई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, लार्ज रिक्वायरमेंट है, शट डाउन प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये इसको चाहिए स्टोर कीपर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, सेफ्टी टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। सभी कैंडिडेट्स के पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप दिए गए ईमेल अपना CV जल्द से जल्द सेंड कर दे। कोई डाउट है कोई क्यूरी है दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले, कॉल कर ले या व्हाट्सअप कर ले दोस्तों। चले बढ़ते हैं हमारा अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात कर ले अगला वैकेंसी के बारे में, यूएई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। कंपनी है एजदा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसको चाहिए MEP टेक मल्टी टेक्नीशियन 10 लोगों की जरूरत है, HVAC टेक्नीशियन 10 लोगों की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन 15 लोगों की जरूरत है, प्लम्बर 10 लोगों की चाहिए, फर्नीचर कारपेंटर्स 5 लोगों की जरूरत है, टाइल मेसन ऑलराउंडर 5 लोग चाहिए, वॉल पेंटर्स 5 लोगों की जरूरत है। कैंडिडेट के पास 2 to 3 ईयर्स का प्रायर मेंटेनेंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ में, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए, एज लिमिट 22 से 37 साल के बीच में एज होना चाहिए कैंडिडेट का। अगर आप भी इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट एंड CV जल्द से जल्द अगर आप भी इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल अपना CV जल्द से जल्द सेंड कर दे। अगर आप घर से भी अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसमें ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं, आप घर से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चले बढ़ते हैं हमारा अगला वैकेंसी की तरफ।